आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 5 मार्च 2015, 10 अप्रैल 2016, 8 नवंबर 2016 या इनमें से कोई नहीं? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 नवंबर 2016 को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? विक्रम, परम, सिद्धार्थ या अन्य? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ, उबलते पानी, भाप या ऊपर के सभी? चौथा प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आयरिस, कार्निया या आईलिड? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरिस। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक, छात्र, फिल्म के लिए या कला के लिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के लिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू? दो बार ये ऑप्शन आ गया है या इनमें से कोई नहीं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून को, 14 जुलाई को, 2 अक्टूबर को या 19 नवंबर को? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर को। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, डॉल्फिन ने, लॉर्ड कर्नल ने या लॉर्ड क्रेज ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई भी वस्तु जब हम हवा में फेंकते हैं तो वह वस्तु पृथ्वी पर ही आकर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अर्थ होता है अपनी तरफ खींचने की क्षमता। राणा प्रताप सागर संबंधित हैं सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से? सही आपका उत्तर होगा दसवें का ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत से। अगला ऑप्शन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च या आपका 4 अगस्त? 11वां प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर। अगला आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, 11 मार्च, 10 मार्च या 9 मार्च? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला है, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जय जवान और जय किसान का जो नारा था वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, शहनाई, संगीतकार या खिलाड़ी? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 14वां, जो आपका प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए, तबला। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उस देश का मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? विधायक, सांसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स या मीरा कुमार? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर? 18वां प्रश्न है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, कावेरी या सरयू? जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, वह किस नदी के किनारे बसा है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी। अगला है, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु? 20वां प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ये जो आपके प्रश्न हैं यह आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग पढ़ लें, क्योंकि यह जो प्रश्न है वे बार बार हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, और वे विद्यार्थी जो हाई स्कूल और इंटर
मीडिएट की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। आपको सभी विषयों का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, जिससे कि आप तैयारी अच्छे से कर सकें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।